तो कहानी की शुरुआत में हम आइसलैंड में हो रही बर्फबारी को देखते हैं, जिस दौरान घोड़ों का एक ग्रुप अपने घर की ओर जा रहा होता है, तभी अचानक कोई क्रीचर घोड़ों के पास आने लगता है, जिससे सभी घोड़े बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद वो क्रीचर भेड़ों के फार्म में आता है, जिसके आने से एक भेड़ अचानक से गहरी सांस लेकर बेहोश हो जाती है और क्रीचर वहां से चला जाता है। ये फार्म इंगवर और मारिया नाम के कपल का था, जो कि आइसलैंड के पहाड़ों में शांति से रह रहे थे। अब क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए वो बहुत अकेला महसूस करते थे। खैर, दोनों अपना परिवार चलाने के लिए भेड़ों की देखभाल के साथ साथ सब्जियों की खेती करने का काम करते थे। दरअसल ये जगह शहर से काफी दूर थी, जिस वजह से कोई भी यहाँ नहीं आता था और दोनों फार्म में काम करके अपना समय बिताते थे। वेल, एक शाम मारिया और इंगवर अपनी प्रेग्नेंट भेड़ों की डिलीवरी में मदद करते हुए नजर आते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि बहुत सारी भेड़ों ने बच्चों को जन्म दिया है, जिससे मारिया बहुत खुश थी। लेकिन इंगवर को उनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इतनी सारी भेड़ों को पालने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता था। एक दिन जब दोनों काम करके आपस में बातें कर रहे थे, तब मारिया इंगवर को अपने ट्रैक्टर में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है, जिस पर वो कहता है कि उन्हें अगले सीजन से पहले ट्रैक्टर को ठीक करवाना होगा। इसी दौरान भेड़ों की शेड में उनका डॉग भौंकने लगता है, इसलिए उसे देखने के लिए दोनों शेड में आ जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि डॉग एक प्रेग्नेंट भेड़ को देखकर भौंक रहा था, क्योंकि उस भेड़ का डिलीवरी का समय हो गया था। खैर, मारिया और इंगवर मिलकर उस भेड़ की डिलीवरी में हेल्प करते हैं, लेकिन जब वो उस भेड़ के बच्चे को देखते हैं तो बुरी तरह शॉक हो जाते हैं। दरअसल उस भेड़ ने एक हाइब्रिड बच्चे को जन्म दिया था, जिसमें उसका सिर भेड़ का था और शरीर इंसानों वाला था। यहाँ मारिया उस बच्चे को अपने साथ घर में ले जाती है और फिर दोनों मिलकर उसकी देखभाल करने लगते हैं। अब क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो उसे ही अपना बच्चा मानने लगते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। साथ ही वो उसका नाम अड़ा रखते हैं और उसे इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। इसके अलावा इंगवर उसके लिए एक बेबी कार्ट ले आता है और उसे बेडरूम में रख देता है, ताकि अड़ा हमेशा उनके साथ रहे। कुछ दिन बीतने के बाद हम देखते हैं कि अड़ा की असली माँ अपने बच्चे को आवाज लगाकर बुला रही होती है, लेकिन मारिया उसे उसका बच्चा वापस नहीं करती है। इसके बाद इंगवर देखता है कि मारिया अड़ा को अपने बच्चे की तरह गोद में लेकर खिला रही है। ये देखकर इंगवर इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। पर अब हाइब्रिड भेड़ के आने से दोनों की जिंदगी में खुशियां आ चुकी थीं, इसलिए इंगवर बहुत खुश होता है। एक दिन जब इंगवर ट्रैक्टर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तब उसका डॉग उसे खेत की ओर इशारा करके कुछ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इंगवर को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। इसी तरह समय बीतता जाता है और अड़ा की असली माँ अपने बच्चे की तलाश में घर के पास आकर खड़ी रहती है, लेकिन मारिया हमेशा उसे घर से दूर कर देती है, जबकि अड़ा विंडो से उसे देखती रहती है। एक सुबह जब मारिया खेत में काम करने के लिए जाती है, तब वो इंगवर से अड़ा की देखभाल करने का कहती है, पर इंगवर काम करने के लिए शेड में चला जाता है और गलती से घर के गेट को खुला छोड़ देता है। जब मारिया घर पर वापस आती है, तो वो इंगवर से अड़ा के बारे में पूछती है, जिस पर इंगवर बताता है कि बाहर जाने से पहले मैंने उसे बेडरूम में सुला दिया था। इसलिए वो अड़ा को देखने बेडरूम में जाती है, लेकिन अड़ा बेडरूम में नहीं होती है, जिससे मारिया और इंगवर बहुत डर जाते हैं और घर के चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं। यहाँ मारिया बहुत ही टेंशन में आ जाती है, तब इंगवर उसे शांत करता है और कहता है कि वो अड़ा को जल्द ही ढूंढ लेंगे। अब वो दोनों अड़ा को अपने पूरे एरिया में खोजने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी वो दिखाई नहीं देती है। इसलिए थक हार कर दोनों घर की ओर जाने लगते हैं, तब उन्हें भेड़ की आवाज सुनाई देती है। मारिया उस आवाज का पीछा करती है और देखती है कि अड़ा की असली माँ अड़ा को अपने साथ बाहर लेकर आई थी। मारिया तुरंत उस भेड़ से अड़ा को छीन लेती है और उसे ठंड से बचाने के लिए कपड़े से ढकने लगती है, जिसके बाद वो घर जाने लगते हैं, जिस दौरान अड़ा की माँ उनके पीछे आने लगती है, जिससे मारिया उस पर गुस्सा होती है और उसे यहाँ से दूर जाने का कहती है। वेल, घर में आने के बाद वो अड़ा को सुला देते हैं और राहत की सांस लेते हैं। कुछ महीनों बाद अड़ा बड़ी हो जाती है और अब वो इस परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। खासकर अड़ा का रिश्ता मारिया के साथ बहुत अच्छा हो गया था और वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थीं। एक रात मारिया को भेड़ों के बारे में डरावना सपना आता है, जिसे देखकर वो जाग जाती है और सोचने लगती है कि शायद अड़ा की माँ उसे अड़ा से दूर ले जाएगी। इसलिए मारिया अड़ा को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है, जिसमें वो इंगवार और अड़ा को सोता हुआ छोड़ घर के बाहर आ जाती है और अड़ा की माँ को शूट करके मार डालती है, जिसके बाद वो उस भेड़ को वहीं पर दफना देती है। तभी इंगवार का भाई पीटर मारिया को ऐसा करते हुए देख लेता है। असल में पीटर शहर में रहा करता था और छोटे मोटे क्राइम करके पैसा कमाता था, लेकिन कुछ कारणों से उसके साथ ही उसे इंगवार के यहाँ छोड़कर चले गए थे। खैर, पीटर भेड़ों की शेड में जाकर सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसे अड़ा दिखाई देती है, लेकिन जल्द ही अड़ा वहाँ से गायब हो जाती है, जिससे पीटर को लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा था। सुबह होने पर पीटर इंगवार से मिलता है, जिसे देखकर इंगवार बहुत खुश होता है, क्योंकि पीटर काफी समय के बाद यहाँ आया था। इसके बाद इंगवार उसे घर के अंदर लाता है और मारिया से नाश्ता बनाने का कहता है। जब वो लोग नाश्ता करने के लिए बैठते हैं, तब वहाँ अड़ा भी आ जाती है। यहाँ मारिया अड़ा को पीटर से मिलाती
जाती है, लेकिन पीटर अडा को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और किसी से कुछ भी नहीं कहता है। कुछ समय बाद अडा और मारिया एक साथ समय बिताते हुए नहा रही होती हैं। इस दौरान इंग्वार और पीटर घर को पेंट कर रहे होते हैं। तभी पीटर घर के अंदर जाता है और मारिया को अडा के साथ नहाते हुए देखता है। वेल, जब इंग्वार घर में आता है तब पीटर उससे पूछता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, जिस पर इंग्वार उससे सिर्फ इतना कहता है कि उनका परिवार बहुत खुश है। रात में मारिया अडा को पीटर के पास लाती है और अडा को अपने अंकल पीटर से गुड नाइट कहने का बोलती है। तब पीटर एक बार फिर इंग्वार से अडा के बारे में बात करने की कोशिश करता है, जिस पर इंग्वार कहता है कि वो इस बारे में बात करना नहीं चाहता है। साथ ही वो पीटर से कहता है कि तुम यहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकते हो, लेकिन तुम हमारे पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करोगे। यहाँ मारिया इंग्वार से पूछती है कि आखिर पीटर यहाँ कितने दिनों तक रुकने वाला है। असल में पीटर मारिया के साथ फ्लर्ट करता था और उसे हमेशा गंदी नजरों से देखा करता था, इसलिए वो चाहती थी कि पीटर जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। खैर, इंग्वार उससे कहता है कि पीटर यहाँ कुछ समय तक रहेगा क्योंकि वो अक्सर उन लोगों से बचने के लिए यहाँ आता है जिनको उसे पैसे चुकाने होते हैं। अगली सुबह तीनों मिलकर खेत में आलू लगा रहे होते हैं और उनका डॉग अडा की देखभाल कर रहा होता है, लेकिन अडा उस डॉग को डरा देती है। दूसरी तरफ तीनों एक ब्रेक लेते हैं जिस दौरान पीटर मारिया से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन मारिया उसे दूर कर देती है। तब पीटर उससे कहता है कि तुम जिसे इंसान समझकर अपने घर में रखे हुए हो वो सिर्फ एक जानवर है, पर मारिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह इंग्वार अपने भाई पीटर को उठाता है और उसे एक शेड की सफाई करने के लिए मदद मांगता है। तब पीटर को सफाई करते समय अपने पुराने ड्रम्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और ड्रम्स को बजाने लगता है। तब ड्रम्स की आवाज सुनकर अडा वहाँ आ जाती है और ड्रम्स का म्यूजिक सुनकर एंजॉय करने लगती है, पर पीटर को ये चीज पसंद नहीं आती है, इसलिए वो अडा का मजाक उड़ाने लगता है। साथ ही वो अडा को बाहर ले जाता है और उसे भेड़ बोलते हुए जबरदस्ती घास खिलाने लगता है, जिस दौरान इंग्वार वहाँ आ जाता है और पीटर को ऐसा करते देख लेता है। अब इंग्वार गुस्से में आकर पीटर को डांटने लगता है और अडा को अपने साथ ले जाने लगता है, जिस पर पीटर उससे कहता है कि अडा कोई इंसान नहीं है बल्कि एक जानवर है, पर इंग्वार उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम पीटर को देखते हैं जो चुपके से मारिया और इंग्वार के बेडरूम में जाता है और उन्हें बताए बिना अडा को बाहर ले आता है। इसके बाद पीटर शेड से एक गन उठाता है और अडा को घर से दूर ले जाता है, जहाँ वो अचानक से अडा के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे शूट करने का सोचता है, लेकिन अडा के मासूम चेहरे को देखकर उसका मन बदल जाता है। दूसरी तरफ मारिया उठ जाती है और देखती है कि अडा रूम में नहीं है, जिससे वो टेंशन में आ जाती है और घर के आसपास उसे ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि अडा पीटर के रूम में है, जहां पीटर उसे अपनी गोद में रखकर सो रहा होता है। इससे मारिया को लगता है कि पीटर ने अडा को एक्सेप्ट कर लिया है। खैर, इसके बाद हम मारिया को शमशान में देखते हैं, जहां वो एक कब्र के सामने बैठकर प्रे कर रही होती है। यहां हमें पता चलता है कि मारिया और इंग्वार की एक बेटी थी जिसका नाम अडा था, लेकिन किसी कारण से उनकी बेटी की मौत हो गई थी, जिससे वो दोनों काफी अकेले हो गए थे। यही वजह थी कि उन्होंने उस हाइब्रिड भेड़ के बच्चे का नाम अडा रखा था और वो उसे अपनी बेटी के रूप में देखने लगे थे। यहाँ इंग्वार अडा को कहानियाँ सुनाता है, जिस दौरान उसे अपनी मरी हुई बेटी की याद आती है, जिससे वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तब मारिया उसके पास आती है और उसे शांत करने लगती है। असल में ये दोनों अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानते थे, जिससे दोनों के बीच में काफी दूरियां भी हो गई थी, लेकिन जब से उन्हें अडा मिली थी तब से उन दोनों के बीच दूरियां खत्म होने लगी थीं। इसके अलावा पीटर भी अब अडा को पसंद करने लगा था और अक्सर उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाता था, जिससे इंग्वार और मारिया भी खुश होते थे और उन्हें अच्छा लगता था कि पीटर ने उसे अपना लिया है। एक दिन पीटर अडा को अपने साथ मछली पकड़ने के लिए ले जाता है। तब वो अडा को अपने और इंग्वार के बचपन के बारे में बताता है, लेकिन जब वो घर की ओर वापस जाते हैं तब रास्ते में उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। यहाँ पीटर ट्रैक्टर को ठीक करने लगता है, पर उसे समझ नहीं आता है कि आखिर ट्रैक्टर में क्या प्रॉब्लम है, इसलिए वो ट्रैक्टर को वहीं छोड़ देता है और अडा को लेकर घर आ जाता है, जहाँ डिनर करने के बाद वो सभी टीवी में एक गेम देखते हैं, लेकिन उनकी टीम हार जाती है, जिससे उनका मूड खराब हो जाता है। इसलिए मारिया सबको खुश करने का सोचकर टीवी में पीटर के एक पुराने म्यूजिक वीडियो को चला देती है, जिससे सबका मूड अच्छा हो जाता है और वो डांस करने लगते हैं। यहाँ वो तीनों एंजॉय करते हुए ड्रिंक कर रहे थे, तब अडा उन्हें बिना बताए घर से बाहर आ जाती है, जहाँ वो उसी क्रीचर को देख लेती है जो कि कहानी की शुरुआत में भेड़ों के फार्म में आया था। इस क्रीचर को देखकर अडा घर की ओर भागती है और शेड में जाकर अपने आप को देखने लगती है। दरअसल अडा के मन में ये चल रहा था कि वो अपने पेरेंट्स मारिया और इंग्वार की तरह क्यों नहीं दिखती है, जिससे अब उसे शक भी होने लगा था कि वो दोनों उसके असली पेरेंट्स नहीं हैं। खैर, इधर इंग्वार नशे में होने के कारण जमीन पर गिर जाता है, जिससे पीटर उसे बेडरूम में ले जाता है। तभी अडा भी वहाँ आ जाती है
और इंग्वार के साथ सोने लगती है, लेकिन अभी भी अड़ा उसी क्रीचर के बारे में सोच रही थी जिसे उसने थोड़ी देर पहले ही देखा था। इसी बीच पीटर मारिया के पास आता है और उसे टच करते हुए फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर मारिया उसे रोकती है और दोबारा ऐसी हरकत करने से मना करती है। तब पीटर उसे ब्लैकमेल करता है कि मुझे पता है तुमने अड़ा की असली माँ को मार दिया है, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अड़ा को सब कुछ बता दूंगा। इसलिए मारिया को मजबूरी में आकर पीटर की बात माननी पड़ती है, लेकिन किसी तरह वो पीटर को एक रूम में बंद कर देती है। तब पीटर चिल्लाते हुए उससे गेट खोलने का कहता है, लेकिन मारिया उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मारिया पीटर के पास जाती है और उसे अपने घर से चले जाने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए पीटर मान जाता है और वो उसे बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए चली जाती है। इसी बीच इंग्वार भी उठ जाता है और अपनी वाइफ और भाई को ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो उसे नहीं मिलते तब वो अड़ा के साथ अकेले ही नाश्ता करता है और फिर उसके साथ ट्रैक्टर को लेने चला जाता है। यहाँ मारिया पीटर को ड्रॉप करके उसे बताती है कि अड़ा उनके लिए एक गॉड गिफ्ट है, जिसकी मदद से वो दोबारा अपनी अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। मारिया पीटर से नाराज होने के बावजूद भी उसे कुछ पैसे देती है और फिर अपने घर की ओर निकल जाती है। इसी बीच इंग्वार अड़ा को बताता है कि अगर वो घर का रास्ता भूल जाए तो वो घर कैसे पहुंच सकती है। खैर दोनों ट्रैक्टर के पास आ जाते हैं, तब इंग्वार ट्रैक्टर को सही करने लगता है, लेकिन वो ट्रैक्टर की प्रॉब्लम को सही नहीं कर पाता है, इसलिए वो अड़ा के साथ वापस घर जाने लगता है। यहाँ मारिया भी घर पर आ चुकी थी। मारिया सोचती है कि अब वो और इंग्वार अड़ा के साथ शांति से रह सकेंगे, लेकिन उसे घर में कहीं भी इंग्वार और अड़ा दिखाई नहीं देते। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे मारिया बहुत डर जाती है और जल्दी से फार्म की ओर भागने लगती है। यहाँ फार्म में हम देखते हैं कि उस क्रीचर ने इंग्वार को गर्दन में गोली मारकर उसे मार दिया है। ये क्रीचर भी आधा इंसान और आधा भेड़ होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये अड़ा का असली पिता है, और इसको देखने के बाद से ही अड़ा को अपने पेरेंट्स पर शक होने लगा था। खैर अब वो क्रीचर अड़ा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तब अड़ा इंग्वार के पास जाने के लिए अपने हाथ को उस क्रीचर से छुड़ाने लगती है, पर वो क्रीचर उसे पकड़कर ले जाता है और अड़ा रोते हुए इंग्वार को देखती रहती है। जल्द ही मारिया वहाँ आ जाती है और इंग्वार को मरा हुआ देखकर बुरी तरह रोने लगती है। अब मारिया के पास कुछ भी नहीं बचा था और वो पूरी तरह से अकेली हो गई थी। कहानी के अंत में मारिया अपनी सारी उम्मीद खोकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है, और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। फॉक्स एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।